तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है उसकी लाइफ कितनी होती है और क्यों। सो आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द लाइफ ऑफ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड व्हाई। और जब बात हो ही रही है बालों की जिंदगी की, तो अजीब तरह से गुजर जाएगी इन बालों की जिंदगी। सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। लेकिन आपके ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। व्हाट मेक्स योर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बेटर? क्या वो सिर्फ आपके ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है? क्या वो आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर है जो आपके सर्जरी से पहले ही आपके पास रहते, या फिर ये दोनों हेयर की जो आपके रिजल्ट को बेटर बनाते? क्या होगा कि अगर आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर है वो चले जाएंगे, क्या वो आपके रिजल्ट को अच्छा बनाएंगे? सो वी आर गोइंग टू नो द रियल ट्रूथ, रियल सीक्रेट्स अबाउट द लाइफ एंड एवरीथिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आरक्यूसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत इंडिया। आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इम्प्लांटिंग मोर देन अ मिलियन हेयर फॉलिकल्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बालों की लाइफ और आपके रिजल्ट के बारे में। सो लेट्स गो एंड सी। तो अगर हमें ये जानना है कि जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है उनकी लाइफ कितनी होती है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट वर्क कैसे करता है। अब जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है डोनर एरिया, एक होता है रिसिपियंट एरिया। डोनर एरिया यानी कि जहाँ से हम बाल निकालेंगे, रिसिपियंट एरिया जहाँ पर आपको बाल चाहिए। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तब आपके जो डोनर एरिया है उसमें से रूट के साथ आपके हेयर को निकाला जाता है और उसी रूट वाले हेयर को रिसिपियंट एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर आपको चाहिए। सो पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से डोनर एरियाज यूज़ किए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो नंबर वन पे आता है बैक ऑफ द स्काल, यानी कि आपके सिर के पीछे का हिस्सा जो नंबर वन डोनर एरिया है। दूसरे नंबर पे आता है बियर्ड एरिया, दाढ़ी के बाल यूज़ किए जा सकते हैं आपके डोनर एरिया के लिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं बॉडी हेयर्स, जहाँ पर आपके चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर्स, ये सारे हेयरों का इस्तेमाल किया जाता है डोनर एरिया के लिए। तो फ्रेंड्स, क्यों इसे डोनर एरिया बोला जाता है? किसको हम डोनर बोलते हैं? डोनर एरिया उस चीज़ को बोलते हैं जो आपको एक जीवन दान दे, जैसे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, या फिर वो आपके बाल हो। तो आपने देखा होगा कि जो एल्डर लोग होते, मतलब अबाउ 60 इयर्स की एज पे जो रहते हैं, जब उनको बोल्डनेस होती है तो उनके सारे बाल चले जाते हैं, लेकिन एक जगह पर से बाल नहीं जाते, वो है आपके सिर के पीछे का एरिया। तो वो क्यों नहीं जाते, उसके पीछे दूसरा साइंस है, उसकी हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये बाल नहीं जाते। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि ये बंदा जो बियर्ड एरिया है वहाँ पर उनको बाल्डनेस आ गई, यहाँ पर वो गंजा हो गया? क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि इनके चेस्ट के सारे बाल चले गए, वो चेस्ट पे गंजा हो गया? नहीं, हमने तो यही देखा है कि जो ऊपर का एरिया है यहाँ पर बाल्डनेस होती है और बाकी आपके सारे बॉडी के हेयर एज इट इज़ रहते हैं ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक। तो इसी वजह से इनको डोनर एरियाज बोलते हैं, क्योंकि उनकी ये बालों की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि एलोपेशिया यूनिवर्सालिस है, इसमें आपके बॉडी के सारे हेयर चले जाते हैं, जिसमें मैं, आप या कोई और कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपका डोनर ही नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी कीमोथेरापी, जो कैंसर रिलेटेड जब ट्रीटमेंट होती है, तब भी आपके सारे बाल चले जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रेयर एंड अनफॉर्चुनेट होती है,
ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर एरिया, क्योंकि ये सब जगह से लिए हुए जो बाल होती है उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। इन वेरी वेरी रेयर केस आपका जो डोनर एरिया है वहाँ के जो बाल है वो कम हो सकते हैं, थीन हो सकते हैं, उसको हम एडवांस ग्रेड बोलते हैं, मतलब ग्रेड 7 से भी आगे वाला स्टेज। तो यहाँ पर कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स में जो हेयर्स होते हैं उनका थिनिंग हो जाता है, कभी कभी डिफ्यूज मिनिएचराइजेशन यानी कि पूरे सर में जो बाल है वो थिनिंग हो जाते हैं, तो इनको आप पुअर डोनर या फिर ऑलमोस्ट इनको हम ना बोल देते हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। सो अब हम फाइनल आंसर की बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग योर रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट विल लास्ट। सो वैसे तो मैंने आपको पूरा आंसर अभी तक बता ही दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि वाई आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाल है वो रहेंगे। बट एनीवेज अकॉर्डिंग टू साइंस एज लॉन्ग एज द हेयर इन योर डोनर एरिया लिव्स योर ट्रांसप्लांटेड हेयर विल लिव। मतलब कि जब तक आपके डोनर एरिया के हेयर में जान रहेगी तब तक आपके जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है उनकी भी जान रहेगी। इट कैन बी लाइफ टाइम, इट कैन बी 30 ईयर्स, इट कैन बी 25 ईयर्स, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ योर डोनर हेयर, द लाइफ ऑफ योर बियर्ड हेयर। अनलेस कि आपको ऐसी कोई बीमारी होती है जो मैंने मेंशन की, जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस है, कीमो इंड्यूस्ड जो रहते हैं एलोपेशियास वो है, या फिर एनी अदर सिकाट्रिशल एलोपेशियास जो रहते जैसी बीमारी जहाँ पर स्कारिंग हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ही आपका जो रिजल्ट है वो जा सकता है। बट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट मेक्स योर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बेटर फॉर एवर? क्या वो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, क्या वो आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर है, या फिर दोनों? सो यहाँ पर ही देखो, जो हेयर्स आपके नेचुरल थे वो अगर चले जाते हैं तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर ट्रांसप्लांटेड किए हुए हेयर भी चले जाते तो भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वी नीड बोथ ऑफ देम। वो बोलते हैं ना यूनिटी में पावर होता है, सो वी नीड द ट्रांसप्लांटेड एज वेल एज अवर एग्जिस्टिंग हेयर टू लुक मोर डेंस, मोर वॉल्यूम। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेव योर प्री एग्जिस्टिंग हेयर, बिकॉज यू डोंट नीड टू सेव योर ट्रांसप्लांटेड हेयर, यू नीड टू सेव योर प्री एग्जिस्टिंग हेयर। एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेव योर प्री एग्जिस्टिंग हेयर वेरी सून। सो आई होप यू फाउंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन एनी वे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है यहाँ पर आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सी यू सून।